एक बड़ी खबर की। खबर बैतूल से है, जहां बोरवेल में गिरे तन्मय को नहीं बचाया जा सका। मासूम की जिंदगी बचाने जद्दोजहद अब खत्म हो चुकी है। जिला अस्पताल तन्मय का शव भेजा गया। तन्मय की जिंदगी के लिए 4 दिन रेस्क्यू लगातार चला, लेकिन तन्मय को नहीं बचाया जा सका। तो 85 घंटे मासूम की जिंदगी बचाने की मुहिम चली। प्रशासन, तन्मय का परिवार, सरकार सभी दुआ कर रहे थे, सभी प्रयास कर रहे थे, लेकिन तन्मय को आखिर बचाया नहीं गया, नहीं जा सका। और मंगलवार शाम 5 बजे से बोरवेल में तन्मय फंसा था। तो बोरवेल में गिरे तन्मय को नहीं बचाया जा सका, जिसके बाद मासूम के शव को अस्पताल में भेजा गया, जिला अस्पताल भेजा गया। 85 घंटे तन्मय को बचाने की मुहिम चली थी। तो बोर 400 फीट गहरा है और ऐसे में बच्चा करीब 39 फीट की गहराई पर फंस गया था। रेस्क्यू टीम ने बोर के समांतर 44 फीट गहरा गड्ढा खोदा था। एक सबसे शुरुआत में एक पैरेलल गड्ढा खोदा गया, जिसके थ्रू तन्मय तक पहुंचने की जद्दोजहद शुरू की गई, लेकिन उसके बाद पानी बीच में रुकावट बनी, चट्टान बीच में रुकावट बनी, काफी चीजों को झेलना पड़ा, लेकिन आखिर में मासूम को नहीं बचाया जा सका। और चलिए इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ सहयोगी सत्येंद्र जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सत्येंद्र, सभी का ये मानना था, सभी चाहते थे, दुआओं का दौर शुरू हो चुका था कि बस तन्मय को बचाया जा सके, लगातार रेस्क्यू जारी था, लेकिन मासूम की जिंदगी बचाने का अब जद्दोजहद खत्म हो चुका है और उसको बचाया नहीं जा सका। जी जी प्रगति, ये काफी अब इसके लिए इसलिए जितना दुख प्रकट किया जाए उतना कम है। बहुत उम्मीदें थी उन माँ बाप को, बहुत उम्मीदें थी उन गांव वालों को, और बहुत उम्मीदें थी उन बच्चों को जिनके साथ में तन्मय पढ़ता था, और उन्हें ऐसा दुआओं का दौर भी शुरू हो चुका था, प्रार्थना का दौर शुरू हो चुका था, लेकिन शायद ईश्वर को कुछ और मंजूर था। कल शाम साढ़े पांच बजे तक ये उम्मीद थी कि तन्मय के शव तक रेस्क्यू टीम पहुंच जाएगी, लेकिन एक लगभग बड़ी चट्टान ने फिर रास्ता रोका, लेकिन रेस्क्यू टीम ने हिम्मत नहीं हारी। और आज सुबह 5:30 बजे जब तन्मय तक रेस्क्यू टीम पहुंची तो उसके शरीर में कोई हलचल नहीं दिखाई देने के बाद में रेस्क्यू टीम उसको लेकर बाहर आई। बाहर 2 डॉक्टरों की टीम ने जब तन्मय का परीक्षण किया, स्वास्थ्य परीक्षण किया, तो तन्मय के लिए ये डिक्लेयर कर दिया गया कि तन्मय अब इस दुनिया में नहीं रहा। हालांकि अभी जिला अस्पताल उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया जा रहा है, और पोस्टमार्टम के बाद जो है शव परिजनों को सौंपा जाएगा। प्रगति, सत्येंद्र पिछले दिन भी देखा गया कि जो तन्मय था वो रिस्पांस नहीं कर रहा था, क्या ऐसा हो सकता है? पीएम में कुछ पता चला है कि कब से रिस्पांस करना तन्मय ने बंद कर दिया था? आपने सही कहा प्रगति। सबसे पहली चीज तो इसमें यह है कि तन्मय ने मंगलवार रात 12:30 बजे से ही रिस्पांस करना बंद कर दिया था, लेकिन परिजनों की हालत और प्रशासन और शासन और लोगों को और गांव वालों को देखते हुए ये ठीक नहीं था कि इस किसी प्रकार की कोई घोषणा की जाती, किसी प्रकार का कोई खुलासा किया जाता या जानकारी दी जाती, क्योंकि ये काम डॉक्टरों का है और डॉक्टरों को परीक्षण करने के बाद ही इस चीज को डिक्लेयर करेगा। हालांकि बहुत संभाली गई इस चीज को, और अभी जब उसका शव यहाँ पर लाया जा रहा है जिला अस्पताल में, उसके पहले 2 डॉक्टरों की टीम ने वहां पर निकलते से पहले मौके पर उसका परीक्षण की थी, इसके बाद ही उसका डिक्लेरेशन किया गया। प्रगति जी, सत्येंद्र बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। देखिए, बैतूल में तन्मय का रेस्क्यू लगातार जारी था, उससे पिता ने बात करने की कोशिश की थी, तो सबसे पहले पिता से उसने कहा था कि यहाँ बहुत अंधेरा है, डर लग रहा है, तो लगातार उसको बचाने की मुहिम शुरू कर दी गई थी, मुहिम जारी थी। ऐसे में माता पिता का हाल बेहाल था, माता का कहना था कि जल्द से जल्द मेरे चिराग को, मेरे लाल को, मेरे तन्मय को बोरवेल से बाहर सुरक्षित निकालो, लेकिन शायद ऐसा नहीं हो पाया, भगवान को कुछ और ही मंजूर था और मासूम की जिंदगी बचाई नहीं जा सकी। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रशासन लगातार मुहिम चला रहा था पोस्टमार्टम के लिए, पीएम कराने के लिए। फिलहाल मासूम के शव को भेजा गया है, पीएम के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि कब से तन्मय ने रिस्पांस करना बंद कर दिया था, क्योंकि देखा जा रहा था कि जो रिस्पांस था तन्मय का वो काफी दिनों से नहीं आ रहा था, और रिस्पांस बेहद जरूरी था।
क्यों लेके गए पहले बच्चे को? हमको क्यों नहीं दिखाया गया? बॉडी बिल्कुल नहीं दिखाई, नहीं दिखाई है। क्यों नहीं दिखाई हमें बॉडी? हमें बॉडी अभी देखना है। अधिकारी कौन? नहीं 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 मैडम, गलत चीज है। आप बताओ, हमें देखना है ना, बच्चे को देखना है। तुमको देखना, यही चीज तो बोलना चाह रहा हूँ। बच्चे को देखना है ना, देखना है। एक मिनट, बच्चे को देखना है। आपसे मिलवाया नहीं? मिलवाया नहीं? अच्छा, क्या देरी हुई? देरी की वजह से मिलवाएगा? देरी की वजह से ऐसा हुआ क्या? क्यों सुनील जी, देरी की वजह से ऐसा हुआ? डायरेक्ट अंदर गाड़ी क्यों लेके गए? और चलिए इस खबर पर लगातार संवाददाता सतेंद्र हमारे से जुड़े हुए हैं, हमसे बातचीत कर लेते हैं। सतेंद्र, फिलहाल मासूम के शव को पीएम के लिए भेज दिया था, लेकिन क्योंकि करीब 4 दिन का समय लगा है रेस्क्यू के लिए, किसकी लापरवाही देखी जा सकती है? इतना समय क्यों लगा? जी प्रगति, लापरवाही तो इसमें सामने बहुत बड़ी आई है, क्योंकि कल प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार भी यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने भी स्वीकार किया कि रेस्क्यू ऑपरेशन में लापरवाही कहीं ना कहीं हुई है और संबंधितों के खिलाफ इसकी जांच की जाएगी, संबंधितों के खिलाफ में कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन लापरवाही की अगर अपन बात करें तो लापरवाही कुछ उन लोगों की भी है जिन्होंने बोरवेल खुला छोड़ दिया, लापरवाही कुछ उन लोगों की भी है जिन्होंने बच्चों को खुला छोड़ दिया और बच्चे खेलते खेलते वहां पर पहुंच गए। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन की जहां तक अपन बात करें, अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की लापरवाही की जहां बात करें, तो यहां पर प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर ये आ रही थी कि जो चट्टाने जमीन के अंदर हैं वह उनसे ज्यादा दिक्कत आई, और पानी का रिसाव जो हो रहा था उससे बहुत ज्यादा दिक्कत आई, क्योंकि ये सिंचाई का सीजन है, गेहूं में सिंचाई हो रही है, और जो घटना स्थल था वो काफी डाउन में नीचे में था और 24 घंटे खेतों में पानी चल रहा है, और यही पानी रिस रिस के उस डाउन में उतरता रहा, उस बोरवेल तक पहुंचता रहा, और यही समस्या सबसे बड़ी पैदा होती रही। दूसरी चीज, जो बड़ी बड़ी चट्टाने जमीन के अंदर लग रही थी उनको फोड़ने में काफी दिक्कतें हो रही थी, दो दो बोकलेन मशीन लगाई थी, दो दो हैमर मशीन लगाई गई थी, और इसी वजह से यहाँ पर विलंब हो रहा था, जिसे अपन लापरवाही तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि जो काम समय पर हो जाना था उस काम को विलंब लगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या टनल खोदने में भी आई, टनल खोदने के दौरान भी 3 बार पत्थरों की चट्टाने सामने लगी, उन्हें खोदा गया। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यह थी कि टनल खोदने के दौरान अगर थोड़ी सी भी शक्ति बरती जाती और बोर अगर कोलैप्स होने हो जाता तो उसमें आज तलमय को बाहर निकालने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लापरवाहियां तो हुई है कहीं ना कहीं, लेकिन वो छोटी मोटी लापरवाही हुई है, लेकिन बाधाएं भी आई है प्रगति। जी सतेंद्र, ये तन्मय की बोरवेल में गिरने की जो घटना है वो पहली नहीं है, राहुल हो गया, ऐसी कितनी सारी घटनाएं हमारे सामने आती हैं, लेकिन इसके प्रति कोई सुध क्यों नहीं लेता है, क्यों नहीं ली जाती है? देखिए प्रगति, इस मामले में आज आपने अच्छा सवाल किया, ये आज हम आसमान पे और चांद पे चढ़ने की बात करते हैं, वहां तक पहुंचने की बात करते हैं, लेकिन इस घटना ने ये साफ कर दिया है कि हमने जमीन के अंदर की हलचल के लिए हम कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाए। इसका उदाहरण है कन्वे की मौत, आज जी बोरवेल जो खुला छूटा हुआ था उसकी जानकारी, उसका रिकॉर्ड न प्रशासन के पास है, न पटवारी के पास है, न कोटवार के पास है, न आरआई के पास है, न एसडीएम के पास है, न तहसीलदार के पास है, जबकि प्रत्येक गांव में पटवारी भी होता है, कृषि अधिकारियों का लगातार आना जाना होता है, वहां पर राजस्व अधिकारियों का लगातार आना जाना होता है, उस गाँव में कोटवार भी होता है, लेकिन खुले बोरवेल की जानकारी प्रशासन के पास कभी नहीं पहुंचती, न इसका कोई रिकॉर्ड है, न कभी इसका सर्वे किया जाता है, न कभी इस मामले में कोई संज्ञान लिया जाता है, न कोई गाइडलाइन है। यही कारण है कि ऐसी घटनाएं बार बार सामने आती है प्रगति। जी सतेंद्र, तन्मय के माता पिता से कोई बातचीत हुई है? उनका क्या हाल बताया जा रहा है? माता का यही कहना था कि जल्द से जल्द मेरे चिराग को बाहर निकालो, हम आम परिवार हैं, उसकी मदद करो, उसको बचाओ। जी प्रगति, माता पिता को काफी उम्मीदें थी कि हमारा बेटा सकुशल वापस लौट आएगा, लेकिन अब चूंकि स्थिति विपरीत हो गई है तो आप समझा जा सकता है कि उस माँ बाप का क्या होगा जिसका एक ही बेटा था, काफी 4 दिन से खुले आसमान के नीचे माँ बाप और परिवार के लोग उनके अपने बेटे के की सलामती के लिए खुले आसमान के नीचे बैठ के दुआएं मांग रहे थे, रो रो के बुरा हाल था उनका, लेकिन शायद ईश्वर को कुछ और मंजूर था और इस माता पिता को भी ये मंजूर अब तो करना पड़ेगा।
निश्चित ही सत्येंद्र, माता पिता पर जो बीत रही होगी, जो उनकी पीड़ा होगी, वो तो उनके अलावा कोई भी नहीं समझ सकता है। सत्येंद्र, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, प्रशासन का क्या कुछ कहना है अब मामले में, कुछ प्रतिक्रिया उनकी तरफ से सामने आई है? जी प्रगति, अभी प्रशासन की जो सबसे पहली प्रायोरिटी ये थी कि कैसे भी करके तन्मय को बाहर निकाला जा सके। काफी बड़ा लंबा समय इसमें लगा, 4.5 दिन बाद तन्मय को बाहर निकाला जा सका। और इस दौरान ये देखा गया कि प्रशासन ने जो अधिकारी है, प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, जो अपन कलेक्टर बोले, सीओ बोले, पुलिस अधीक्षक बोले, इन तीनों के अलावा पूरे 200 से 250 कर्मचारी पूरे 4.5 दिन तक दिन और रात मौके पर मौजूद रहे। इन्होंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की और यह प्रयास किया कि सबसे पहला प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि तन्मय को बाहर निकाला जा सके। तमाम बाधाएं आई, तमाम परेशानी आई, लेकिन पूरे 4.5 दिन बाद आज तन्मय को बाहर निकाल लिया गया है। अब बाकी की जो बातें हैं, बाकी की जो चीजें हैं, वो अब तय की जाएगी। प्रगति जी, सत्येंद्र बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था, पल पल की अपडेट बंसल न्यूज भी आप तक पहुंचा रहा था, लेकिन समस्या ये है कि जब तक समस्या का निस्तारण उसके जड़ से नहीं होगा, तब तक वो समस्या समाप्त नहीं होगी। तो देखिए, बोरवेल में तन्मय गिर गया था, जिसके बाद से लगातार रेस्क्यू जारी था। ऐसे में 4 दिन बीत गए थे, लेकिन मासूम को बचाया नहीं जा सका। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है, हाल बेहाल है, क्योंकि माता पिता की पीड़ा सिर्फ वही समझ सकते हैं। मासूम की जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद अब खत्म हो चुकी है।